वेलकम टू डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल किस तरीके से ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी को, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, देख सकते हो आज जो मार्केट ने कैंडल बनाई है काफी ज्यादा नेगेटिव कैंडल हमको आज देखने को मिली है। ठीक है, मार्केट देखो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ओपन होने के बाद यहाँ से हमको एक गिरावट देखने को मिली ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास के। ठीक है, अभी मैं बात करूँ यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या, कल हमने यही डिस्कस किया था, ये जो एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है एंड अभी भी स्टिल इसको प्राइस होल्ड कर रही है। लेकिन आज जो कैंडल बनी, हमारा जो एक राउंड लेवल नंबर था जो कल मैंने आपको एक लेवल बताया था 42,700 का एरिया, और एग्जैक्टली मार्केट उसी के आसपास 700 के आसपास ओपन हुआ और वहीं से गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, एंड अभी हम देखें एक रेजिस्टेंस को लेवल को हिट करके फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो अभी ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइन हो जाएगा। कल मैं अगर बाय साइड अगर मैं बात करूं तो मैं कल बाय के लिए अग्रेसिवली प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि जिस टाइप की आज कैंडल बनाई है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, मेरे हिसाब से मार्केट अब अगर नीचे आएगा तो डेफिनेटली एक बड़ा फॉल आ सकता है मार्केट के अंदर, हमको फिर से एक न्यू स्विंग लो अब बनता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये मेजर मार्केट का सपोर्ट एरिया है 41,500 से 600 का एरिया है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन फिलहाल मैं बात करूं कल के लिए आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कल अगर मार्केट आप मान के चलिए कल अगर डे का लो ब्रेक करता है, मार्केट अगर कल इस प्राइस पॉइंट को ब्रेक करती है, यानी कि आज का जो प्राइस ने डे लो लगाया अगर कल मार्केट इसको ब्रेक करता है साइडवेज प्राइस ओपन होकर, तो एक मार्केट में काफी अच्छा फॉल आ सकता है, मार्केट एटलीस्ट यहां तक ट्रैवल कर सकता है, इस न्यू जो स्विंग लो बनाया हुआ है प्रीवियस स्विंग लो यहां तक प्राइस ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है तो कल का जो डे होगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। ठीक है, ओवरऑल हो गया, ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस क्या है वही मैंने आपको बता रखा है, 700 का मेजर रेजिस्टेंस है। रीजन आप सिंपल समझ लो, इस लेवल से हमने पहले एक ब्रेकआउट लिया था, इस लेवल से तेजी हमको देखने को मिली थी एंड उसके बाद देख सकते हो काफी अच्छा कंसोलिडेशन करके फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, इसको रीटेस्ट किया, अब यहाँ से आज हमको रिजेक्शन मिला है, तो अगर कल मार्केट को गिरना तो यहाँ से एक बड़ा फॉल आ सकता है। ठीक है, तो सेल साइड आपको जो है सेल के लिए मार्केट में रेडी रहना है, अग्रेसिवली प्लान हम कर सकते हैं। चलिए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, सिंपल यहाँ पर भी आपको दिख रहा है जैसे ही मार्केट डे का लो क्रॉस करेगा हम उसके बाद एक बार हम सेल कर सकते हैं, मार्केट के अंदर काफी अच्छा फॉल हमको देखने को मिल सकता है। अब टारगेट लेवल क्या क्या हो सकते हैं, अगर डे का लो जैसे निकाल रहा है मार्केट, हम पहला टारगेट आपका मान के चलो कि 42,000 का जो एरिया है उसके नीचे, यानी कि 41,950 का एरिया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 900 से 950 का एरिया, तो यहाँ तक का आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, पहला टारगेट अगर इस लेवल को क्रॉस करता है देन सेकेंड टारगेट इसके नीचे हो सकता है 41,765 या फिर 41,800, एक राउंड लेवल नंबर मान के चलो 800 का एरिया। लेकिन एक बात समझ रखना, कल अगर मार्केट जो है डे का लो जब तक क्रॉस नहीं करे तब तक हम सेल नहीं करेंगे, जब तक इस स्विंग को मार्केट नहीं निकालेगा तब तक हम सेल नहीं करेंगे। इसके ऊपर मार्केट हो सकता है वॉलीटिलिटी क्रिएट करे या फिर स्ट्रगल करे, हमको वहां पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि बाय साइड देख सकते हो मार्केट में जिस तरीके से रिजेक्शन मिल रहा है तो बाय साइड मार्केट में मोमेंटम नहीं बन रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज मार्केट ने ये कैंडल बनाई है, वन साइडेड मूव जो दिया है मार्केट में, तो अगर ये इसको कंटिन्यू करना है तो कल एक बड़ा फॉल आ सकता है अगर कल मार्केट को नीचे जाना है। ठीक है, तो ये अच्छा मौका होगा कल सेल के लिए। ठीक है, बाय के लिए मैं अग्रेसिवली प्लान नहीं करूंगा, फिर भी अगर कुछ लोग कहना चाहते हैं तो एक बार इस स्विंग को निकालने दीजिए अच्छे से, यानी कि 42,400 के ऊपर अगर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है तब तक हम बाय के लिए प्लान नहीं करेंगे। उससे पहले हम इस वॉलीटिलिटी में हम जहां पर भी सेल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेल के लिए हम प्लान रेडी रहेंगे, ना कि बाय के लिए। ठीक है, बाकी अदरवाइज इस लेवल के ऊपर मार्केट फिर भी निकल रहा है तो इसके बाद हम कहीं बाय के लिए प्लान कर सकते हैं, स्विंग लो को क्रॉस, स्विंग हाई को क्रॉस करने के बाद 42,400 का लेवल। ठीक है, फिर ऊपर में टारगेट 500 हो सकता है, 600 हो सकता है, वो सारे आपके टारगेट पॉइंट्स हो सकते हैं। बट जिस तरीके से आज मार्केट परफॉर्म किया है, जिस तरीके से मार्केट में आज गिरावट हुई है, तो डेफिनेटली अगर ये इस लेवल को होल्ड नहीं करता है मार्केट में एक बड़ा फॉल आ सकता है। ठीक है, आई होप कि बैंक निफ्टी का क्लियर है किस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं और जिस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और जिस तरीके से रिजेक्शन लिया, वन साइडेड मूव आज मार्केट ने दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, डेली टाइम फ्रेम की एक बार कैंडल हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आगे इंट्राडे में। ठीक है, सारी चीजों को रिमूव कर देता हूं एंड एग्जैक्टली देखोगे यहां पर भी हमको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। सिंपल, जब तक कि मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट में बड़ी तेजी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, आज लास्ट टाइम भी इसी ट्रेंड लाइन की मैंने बात करी थी, ये ट्रेंड लाइन को अगर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, काफी बार इसको मल्टीपल टाइम प्राइस ने यहाँ पर हिट किया है लेकिन एक भी बार इसने ब्रेकआउट नहीं लिया। आज भी देख सकते हो मार्केट यहाँ का ओपन होते ही मार्केट फॉल करने लग गया एंड इस तरीके से अगर फिर से ये डे का लो यहाँ से ये कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ आ सकती है प्राइस, इस लो तक प्राइस जो है आ सकती है कल के दिन में। ठीक है, 17,800 के आसपास या फिर 800 से नीचे की तरफ लगभग 17,750 तक का टारगेट आपको दे सकता है मार्केट अगर कल मार्केट डे का लो, आज का जो डे लो बना है इसको अगर ब्रेक करता है। ठीक है,
तो अगर ऊपर में बात करूं, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर दी उससे पहले मार्केट में कोई तेजी नहीं होगी, मार्केट से वॉलेटाइल बनेगा, वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा। तो वॉलीटिलिटी में थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखनी चाहिए क्योंकि मार्केट में वो स्टॉप लॉसेस बहुत जल्दी हिट होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। अगर इस सेम चीज को अगर आप देखोगे तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, सबसे पहला आपका जो प्लान होना चाहिए, जैसे मार्केट डे का लो क्रॉस कर रहा है ये इसके नीचे हम सेल करते हैं। पहला हुआ कि आप सिंपल देखो अभी प्राइस सपोर्ट के आसपास है, सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में देखे देखो इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ब्रेकआउट लिया था। तो ये जो एरिया पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था फिर अब ये सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, और यहीं पर प्राइस ने आकर एंड ऑफ द डे सपोर्ट लिया है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है इसके नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर से प्राइस स्विंग लो तक यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कल के लिए कि मार्केट अगर जैसे ही स्विंग को निकाल रहा है आपका आपकी एंट्री कहां पर हो सकती है, डे का लो ब्रेक करने के बाद, उससे पहले मार्केट वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम एक बार कंफर्मेशन कहां पर होगा, जैसे मार्केट डे का लो ब्रेक कर रहा है हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। आपके टारगेट्स अब क्या क्या हो सकते हैं, पहला टारगेट 17800 का टारगेट आप लेके चल सकते हो अगर नीचे की तरफ आती प्राइस, तो 17800 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा। इसको मार्केट क्रॉस कर देता है फिर इस स्विंग लो तक जो भी रिसेंट का स्विंग लो बनाया मार्केट ने, ये आपका सेकंड टारगेट नीचे की तरफ हो सकता है। आई होप कि ये चीज क्लियर है। ऊपर में बात करूँ बाय साइड कॉल साइड अगर किस लेवल पर बाय करोगे तो मार्केट जब तक स्विंग हाई के ऊपर नहीं ट्रेड करना स्टार्ट करेगा उससे पहले बाय की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। ठीक है, तो सिंपल रहेगा कि मार्केट अगर 17930 के ऊपर या फिर 930 से 940 का लेवल जब तक इसको यहाँ से इस तरीके से क्रॉस नहीं करता है स्लो एंड स्टडी तब तक हम बाय नहीं करेंगे। इस क्रॉस करने के बाद हम कहीं बाय के लिए प्लान कर सकते हैं, उससे पहले हम सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे अभी के हिसाब से। ठीक है, आई होप कि क्लियर है किस तरीके से कौन से लेवल पर कॉल बाय करना है, किस लेवल के ब्रेकआउट पर आपको जो है पुट बाय करना है। ऊपर में टारगेट क्या हो सकता है, एक स्विंग हाई ये एक मेजर रेजिस्टेंस है 17980 का एरिया, ये क्रॉस करेगा फिर 18000 में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 18000 एक राउंड लेवल नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है। तो यहाँ से जैसे हिट करेगा मार्केट में एक बार गिरावट आएगी, और देख सकते हो आज जैसे मार्केट ने 18000 का लेवल हिट किया और मार्केट में एक शार्प फॉल हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, कल स्विंग लो को निकालता है तो मार्केट में काफी अच्छा फॉल आ सकता है। ठीक है, चलिए स्टॉक की बात कर लेते हैं, कौन सा स्टॉक है जिनको आप कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। पहले स्टॉक की अगर मैं बात करूँ वो है वरुण ब्रेवरेज। ठीक है, इस स्टॉक को देखोगे तो काफी अच्छे लेवल के आसपास हमको एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक काफी अच्छा पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न हमको देखने को मिला है, एक्जेक्टली सपोर्ट एरिया के आसपास काफी अच्छी ग्रीन कैंडल हमको बनती हुई नजर आई है। तो कल अगर मार्केट साइडवेज ओपन होकर डे का हाई क्रॉस करा तो इस स्टॉक के अंदर हम बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो एक स्टॉक है जिसको आपकी बाय की वॉचलिस्ट में रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूँ इन्फोसिस को अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस लिमिटेड को अगर आप देखोगे तो ये एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। देखो देख सकते हो इस लेवल के आसपास 2 से 3 बार मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर हिट कर चुका है और फिर से प्राइस इस लेवल के आसपास आई है। ठीक है, तो कल अगर इस स्विंग हाई को निकालते यानी कि 1530 का एक राउंड लेवल नंबर है, 1530 के ऊपर अगर ब्रेकआउट लेती है तो एक शानदार तेजी भी हो सकती है, अदरवाइज 1530 को हिट करके मार्केट में एक फॉल भी आ सकता है। तो एज ए मेक और ब्रेक लेवल इस स्टॉक को आप अपने वॉचलिस्ट में रख सकते हो। एक लास्ट स्टॉक और हम देख लेते हैं वो है अदानी इंटरप्राइजेस। इस स्टॉक को देखोगे तो काफी अच्छे लेवल के आसपास दिख रहा है एंड इस स्टॉक के अंदर कल अगर ब्रेकडाउन होता है तो काफी अच्छा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। अगर एक पैटर्न की बात करूँ देखो परफेक्ट एक कप एंड हैंडल इस टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है एंड देख सकते हो मार्केट अच्छे लेवल के आसपास क्लोज किया है और आज अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट में गिरावट हुई है। ठीक है, और एक बेरिश एंगल्फिंग छोटी सी कैंडल पैटर्न भी देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर डे का लो मार्केट क्रॉस करके नीचे की तरफ निकल रहा है तो इस स्टॉक को हम सेल कर सकते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर जैसे आज का डे लो क्रॉस करेगा हम सेल के लिए प्लान करेंगे। आई होप कि क्लियर है किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी एंड किस तरीके से स्टॉक को ट्रेड करना। एंड दोस्तों जिन लोगों ने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, तो इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो या फिर सर्च कर सकते हो ट्रेडिंग हाइस्ट एंड इसको जाके ज्वाइन कर लो। लाइव मार्केट के दौरान कोई भी ट्रेड वगैरह होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं आप लोगों के लिए मैंने इंट्राडे का एडवांस कोर्स बना रखा है जहां पर किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है, कौन से सेटअप्स आपको यूज करने, वो सारी चीजें डिटेल में सिखा रखी। तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोर्स की लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय।